शरद पवार ने दिया उद्धव ठाकरे को धोखा। बीच मस्तार में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेगा एनडीए। अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हुए उद्धव ठाकरे। क्या अकेले पड़ते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे के हाथ से तीर कमान फिसल चुका है। उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनके पास तीर कमान भले ही ना हो, लेकिन मजबूत गठबंधन है। गठबंधन के साथ साथ उनके पास मजबूत सहयोगी भी हैं, जिनके सहारे वो फिर से तीर कमान को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई चुनाव आयोग से हारे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं। एक लड़ाई पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और अब नाम और निशान की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले हो गई है। उद्धव ठाकरे अभी भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे का साथ देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। एक ओर बीजेपी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी ओर एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई बताकर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा उम्मीदें शरद पवार से पाल रखी है कि शायद इस मुश्किल भरे वक्त में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार देंगे, सुझाव देंगे, बताएंगे कैसे पार्टी को नए सिरे से दावेदारी पेश की जाए। चुनाव आयोग ने जो नाम और निशान एकनाथ शिंदे के हाथ में सौंप दिया है, उस पर कैसे अपना हक जमाया जाए, कैसे पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए, जो लोग चले गए हैं उन्हें वापस कैसे लाया जाए। उद्धव ने पवार को फोन भी लगाया, मदद भी मांगी थी, लेकिन मदद की जगह शरद पवार को उद्धव ठाकरे ने जो राय दी, उससे उद्धव ठाकरे की उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ रही हैं। एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे को सलाह दी कि चुनाव आयोग से जब भी फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। नए चिन्ह और पुराना निशान खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना चुके हैं, लेकिन पवार ने साफ कर दिया कि इससे कुछ नहीं होने वाला। आयोग ने जो फैसला दिया है उसे कोर्ट नहीं पलटेगा, इसलिए वक्त बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। नए चुनाव चिन्ह के साथ ही मैदान में उतरने में भलाई है। वैसे भी अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत मुंबई है और बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसलिए अपनी ताकत शिवसेना को चुनाव चिन्ह की जगह नए चुनाव चिन्ह को लोकप्रिय बनाने में लगानी चाहिए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि कमजोर बनने की जगह इंदिरा गांधी जैसा मजबूत रुख दिखाया जाए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चुनाव चिन्ह चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था, क्योंकि जब 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने मजबूती से के साथ वापसी की और देश की प्रधानमंत्री बन गई। साफ है उद्धव ठाकरे जो भी आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं, शरद पवार ने ही उन सभी आरोपों की हवा निकाल दी है। साफ कर दिया है कि अब शिवसेना का नाम और निशान उन्हें भूलना होगा। अब तक जिस चुनाव चिन्ह का वो प्रचार करते थे उसके खिलाफ ही अब मैदान में उतरना होगा। ठाकरे गुट को इस बात का एहसास हो चुका है कि तीर कमान लगभग हाथ से निकल चुका है और तीर कमान के हाथ से निकलने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ठाकरे गुट इस समय 2 रणनीतियों पर विचार कर रहा है। पहली हार्ड हिंदुत्व की रणनीति, जिसे अपनाकर बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में लोकप्रियता बनाई थी, तो दूसरी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, जिसे अपनाते हुए अल्पसंख्यकों को अपने पाले में जोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एमवीए गठबंधन में भी आसानी से खुद को फिट किया जा सकता है, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सामने बीजेपी और शिंदे गठबंधन है और दोनों ही दल हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में अगर उद्धव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को अपनाता है तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है, लेकिन हार्ड लाइन में भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि फिर कांग्रेस को साथ लेना मुश्किल हो जाएगा।